वालेकुम, नमस्ते, सस्री अकाल। तो कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूँ सब ठीक ठाक होंगे। मेरी दुआ है आप हमेशा हंसते रहें, मुस्कुराते रहें, हमें अपना प्यार दिखाते रहें। मेरा नाम है साबिर सुल्तानी। जी, मेरा नाम बाबर सुल्तान और मेरा नाम है सादिक। और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल हाजिर एक नई और एक्साइटिंग वीडियो के साथ। पाकिस्तानी आर्मी एक्सेप्ट इन्वॉल्वमेंट इन कारगिल वॉर। और ये पहली दफ़ा नहीं है, पहले भी जो उस टाइम के आर्मी चीफ थे मुशर्रफ साहब वो भी एक्सेप्ट कर चुके हैं, बल्कि इंडिया में बैठकर उन्होंने एक्सेप्ट किया था। फिर भी देखते हैं, आइए मिलकर मेजर साहब की ये वीडियो, फिर उस पर करते हैं अपना रिएक्ट। हमारे रिव्यूज़ जानने के लिए वीडियो को पूरा देखिएगा, और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब भी करिए और बेल आइकन प्रेस करना मत भूलिएगा। चलिए फिर शुरू करते हैं। जब सच बोलने का तुम्हें अंदर से उबाल आ ही गया, तो ये भी बोल दो कि कश्मीर के अंदर तुमने एसएसजी वाले भेजे थे, जो हमारे बड़े थे, इनकी पतलू ने 93,000 ढाका में उतार चुके हैं दोस्तों। 2024 और गौरवारी आज फिर इनकी पतलू ने उतारने लगा है। कश्मीरी गए इंडियन आर्मी के पास, बोला पता नहीं सर कौन पागल के बच्चे घूम रहे, जरा इनको जूते मारो। फिर कहते हैं 1971 में बड़े ब्रेवली लड़े। हाँ, हमें पता है कितनी बहादुरी से लड़े। पाकिस्तान किस मोड़ पे आके फंसा है दोस्तों, उसके निकलने का कोई भी रास्ता नहीं है। जैन दोस्तों, मैं हूं मेजर गौरवारी और आप देख रहे हैं द चाणक्य डायलॉग्स। इस वीडियो को लाइक करिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन दबाना बिल्कुल मत भूलिएगा। दोस्तों, जनरल आसिम मुनीर, पाकिस्तान के चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ ने यह कबूल लिया है कि कारगिल में पाकिस्तानी फौज मुलविस थी। हमें तो पता ही था भारतीय सेना ने तो इनके फौजियों को दफनाया है, वहां पर नमाज जनाजा पढ़वाई है, गार्ड ऑफ ऑनर दिया है। हमने उन सोल्जर्स को, उन पाकिस्तानी सोल्जर्स को इज्जत दी जिनका ये लोग पूछते नहीं थे। भाई साहब, इनका नाम नहीं लेते थे, कह रहे पता नहीं कौन है, मर गए जाने दो, हमारा कोई नहीं है ये, हम इसको जानते ही नहीं कौन है। एक था कप्तान, कैप्टन था कर्नल शेर खान, कप्तान था पाकिस्तानी फौज का कर्नल शेर खान। जब वो मारा गया तो पाकिस्तानियों ने बोला कि साहब हम तो इसको जानते ही नहीं है कौन है, हमारा तो है नहीं है, मरमुरा गया होगा कोई, यह है कोई मुजाहिदीन, ये सो कॉल्ड कश्मीरी फ्रीडम फाइटर है कोई, हमारा बंदा है ही नहीं। फिर उसके बाद भारत के एक ब्रिगेडियर थे एमपीएस बाजवा साहब, ब्रिगेडियर एमपीएस बाजवा साहब, उन्होंने साइटेशन लिखा कि ये जो बच्चा है ये बड़ी बहादुरी से, ठीक है हमने इसकी जान ले ली, ये हमारा दुश्मन था लेकिन बड़ी बहादुरी से लड़ा, तब उसको पाकिस्तान का जो टॉप अवार्ड है करेज का, ब्रेवरी का टॉप अवार्ड, तब उसको दिया गया। ये दोगलापन है पाकिस्तानी फौज का। आज की तारीख में आसिम मुनीर कह रहा, हाँ हमारे जो फौजी थे ना वो बड़ी बहादुरी से लड़े, 1947-48 में भी बड़ी बहादुरी से लड़े, 65 में भी बड़ी बहादुरी से लड़े, 71 में भी बड़ी बहादुरी से लड़े, कारगिल में भी बड़ी बहादुरी से लड़े। ये भी बोल दो, ठीक है आसिम मुनीर, जब सच बोलने का तुम्हें अंदर से उबाल आ ही गया, तो ये भी बोल दो कि कश्मीर के अंदर तुमने एसएसजी वाले भेजे थे, ये उनकी भी तारीफ कर देना कि बड़े बहादुरी से। देखो सुनो दोस्तों, मैं आपको एक बात बताता हूं ये क्यों सिग्निफिकेंट है। एक्चुअली इवन इन 1949 ये पाकिस्तान की फौज इतनी छोटी फौज है, आज मैं इस फौज की पतलून उतारता हूं, जो हमारे बड़े थे इनकी पतलू ने 93,000 ढाका में उतार चुके हैं दोस्तों। 2024 और गौरवारी आज फिर इनकी पतलू ने उतारने लगा है। देखो 1947-48 में जब कबायली आए थे उनके साथ पाकिस्तानी फौज भी आई थी, तब भी ये लोग यही कह रहे थे कि इसमें पाकिस्तानी फौज है ही नहीं, ये तो कबायली हैं, हमारा कोई लेना देना नहीं है इससे, हमारा कोई। अब खुद उनका आर्मी चीफ कह रहा है कि 47-48 में भी बहादुरी से लड़े। कैसे बहादुरी से लड़े भाई, तुम तो थे ही नहीं यहां पे। दोस्तों जो दूसरी बड़ी लड़ाई हुई पाकिस्तान के साथ 1965 में, 1965, इन्होंने फिर यही बेवकूफी करी। और इन्होंने पता है क्या सोचा था, इन्होंने यह सोचा था कि साहब वहां से कबायली अंदर आ जाएंगे, इरेगुलर्स आ जाएंगे, वो दंगा फसाद करेंगे पीछे से। और इन्होंने एक साल पहले रण ऑफ कच्छ में, जो कि गुजरात में है, वहां पर एक्शन करना शुरू कर दिया था। ऑपरेशन जिब्राल्टर बाद में हुआ। और जंगी जनून किसके सर पर चढ़ा, जंगी जनून चढ़ा सर पे जुल्फिकार अली भुट्टो के, जो कि प्राइम मिनिस्टर था, ठीक है जी। मैं किसी दिन आपको बताऊंगा पूरी 1965 की बात, लेकिन फैक्ट ऑफ द मैटर इज कि ये चढ़ दौड़े, फिर इनको जूते पड़े। लेकिन जूते पड़ने से पहले इन्होंने अपने इरेगुलर्स भेजे, अपनी पाकिस्तानी फौज नहीं भेजी, इन्होंने 1965 में अपने इरेगुलर्स भेजे, सादी वर्दी वाले। और इनका यह आइडिया था कि जब वो घुस जाएंगे अखनूर साइड से, जब वो घुस जाएंगे और वो कश्मीर पहुंच जाएंगे, तो कश्मीरी मुसलमान खड़ा हो जाएगा, और कश्मीरी मुसलमान, इनको लगा कि 20,000 कश्मीरी मुसलमान वहां पे तैयार है हमारी फौज के साथ कंधे से कंधा मिला के इंडियन आर्मी के खिलाफ। वहां पे कश्मीरियों ने आपको पता है क्या करा, कश्मीरी गए इंडियन आर्मी के पास, बोला पता नहीं सर कौन पागल के बच्चे घूम रहे, जरा इनको जूते मारो।
इट्स अ फैक्ट, आप जाके चेक कर लेना हिस्ट्री अगर मैं गलत बोल रहा हूं तो, और जो पाकिस्तानी भाई बहन देख रहे हैं मैं उनको भी बोल रहा हूं, आप भी जाके चेक करो हिस्ट्री, ना इंडिया का वर्जन पढ़ना ना पाकिस्तान का पढ़ना, आपको जिस पे भरोसा है उस मुल्क का वर्जन पढ़ लेना, आपको पता लग जाएगा इंडियन मुस्लिम्स, कश्मीरी मुस्लिम्स ने जाके इंडियन आर्मी को खबर दी कि सर ये पागल के बच्चे यहां पे पता नहीं पाकिस्तानी कौन आ रहे हैं, जरा सुअरों को मारो। ठीक है, वहां से जब लड़ाई शुरू हुई तो प्रेशर आया इंडिया की गवर्नमेंट के ऊपर, जब इंडिया की गवर्नमेंट के ऊपर प्रेशर आया कि साहब आप तो इनको सॉर्ट आउट नहीं कर रहे, पाकिस्तानी फौज आगे आप क्या एक्शन ले रहे हैं, तब जाके इंडिया ने लाहौर वाला फ्रंट खोला। आज की तारीख में जो पाकिस्तानी झूठ बोलते हैं ना अपने बच्चों से कि हमने लाहौर बचा, और लाहौर तो बचा बचाया था, ऑपरेशन जिब्राल्टर क्या था उसके एक साल पहले, यानी कि 1964 में तुम लोगों ने रण ऑफ कच्छ में क्या करा था, जरा ये भी अपने बच्चों को तो बताओ जरा। फिर कहते हैं 1971 में बड़े ब्रेवली लड़े, हाँ हमें पता है कितनी बहादुरी से लड़े जब 93,000 ने सरेंडर कर दिया था ढाका में, अभी भी तुम्हारी पतलून टंगियां सूख रही हैं, अभी तक सूखी नहीं जब से गीली हुई थी, राइट, ये भी हमें पता है कितनी बहादुरी से तुम्हारी फौज लड़ी। और 1999 कारगिल, वाह वो तो बहुत ही खतरनाक एक्शन था तुम्हारा, आए कारगिल पे चढ़ दौड़े। जब इंडियन आर्मी ने एक्शन शुरू करा और इंडियन एयरफोर्स ने वहां पे बम मारने शुरू करे और इंडियन नेवी ने, और इंडियन नेवी ने वहां पे बिल्कुल कराची के सामने अपनी बोट्स लगाई, इनका गला सूख गया, इन्होंने बोला यार हमें तो पता ही नहीं था इतनी बुरी तरीके से मारेंगे, इतनी बुरी तरीके से मारेंगे। नवाज शरीफ गया, फोटो दिखाओ एडिटर नवाज शरीफ की, नवाज शरीफ गिर गया बिल क्लिंटन के कदमों पे, क्या भाईजान माफ कर दो, माफ कर, रास्ता दे दो, हमारे बंदे निकल जाएं, ये परवेज मुशर्रफ पागल का बच्चा है, इसने हमें बताया नहीं क्या कर रहा है। आपको पता है जब ब्रीफिंग चल रही थी, मैं दोस्तों मैं मजाक नहीं उड़ा रहा किसी की, फौजी जब ब्रीफ कर रहे थे नवाज शरीफ का दिमाग चिकन सैंडविच में था, वहां पे चिकन का सैंडविच रखा हुआ था, फौजी अफसर बता रहे होंगे इसको कि सर ये चोटी है यहां पे हम जाएंगे ऐसा करेंगे, ये मुंह में ठूस रहा था, यू स्टफिंग हिज फेस विद चिकन सैंडविचेस, तभी तो गड़बड़ हो गई पाकिस्तान में। अच्छा ये बात मैं क्यों कह रहा हूं, एक तो जनरल आसिम मुनीर ने बोला है क्या हो गया वहां पे, पाकिस्तान की सड़कों में बवाल हो गया दोस्तों, पाकिस्तान में पूरा एक हजूम इकट्ठा हो गया लाखों लोगों का, और उसने बोला कि चलो जेल, उसने बोला चलो जेल, और बोला कि आज हम इमरान खान को जेल से छुड़ा के मानेंगे, वहां पे फायरिंग हो गई। अब तक पाकिस्तानी मीडिया ये नहीं बता रहा कि कितने लोग मरे, कोई कह रहा है दर्जन मरे, कोई कह रहा है 20 मरे, कोई कह रहा है 2 दर्जन मरे, 50, नोबडी नोज, कोई कह रहा कोई भी नहीं मरा, ये भी लोग कह रहे हैं कि कोई भी नहीं मरा, सिर्फ लाठीचार्ज हुआ है, सिर्फ वाटर कैनन हुई है, सिर्फ टियर गैस हुआ है, कोई कह रहा फायरिंग हुई है। यहां पे लोग ये कह रहे हैं कि साहब कोई ग्रेनेड ले आया था बीच में, किसी ने ग्रेनेड फेंक दिया, अब पता नहीं जितने मुंह उतनी बातें, लेकिन फैक्ट ऑफ द मैटर इज कि इस फौज को, यानी कि जनरल आसिम मुनीर की फौज को यह नहीं पता कि इमरान खान जैसे बंदे का क्या करना है। और दोस्तों अब मैं आपको एनालाइज करके बताऊंगा कि पाकिस्तान में हो क्या रहा है। ये तो जो घटना थी घट गई 1-2 दिन पहले यार, ये तो कल की घटना है प्रोटेस्ट की, और उसके पहले की घटना है जब उसने बोला कि साहब हमारे फौजी तो बड़ी बहादुरी से लड़े, बड़ी वीरता से लड़े, ये सब कारगिल का नाम लिया, 48, 49, 47 का, वो सब ठीक है यार, वो अलग मैटर है। अब मैं आपको बताता हूं दोस्तों, ऐसी बात है, अब जियोपॉलिटिक्स पे आ जाते हैं, ठीक है ना, एक तो ये हो गया क्या हुआ, अब जियोपॉलिटिक्स ये बताती है हमें कि किस तरीके से इमरान खान भी अमेरिकन्स के पीछे लगा हुआ है कि मुझे निकालो और मुझे प्रधानमंत्री बनाओ, और फौज भी लगी है अमेरिकन्स के पीछे। दोस्तों यह भी सच्चाई है, आज की तारीख में जो पाकिस्तान की आर्मी है, पाकिस्तान की आर्मी बैलेंसिंग एक्ट कर रही है चाइनीज और अमेरिकन्स के बीच में, और उनको एक बात तय पता है बिल्कुल, दे नो फॉर श्योर 100% कि जितने भी मल्टीलैटरल लेंडिंग एजेंसीज हैं, चाहे वो वर्ल्ड बैंक हो, ठीक है जी, चाहे वो IMF हो, ये सारी की सारी अमेरिकन कंट्रोल है, चाइना के पास एक नहीं है ऐसी। हाँ, चाइना अपने बैंक से बोल के लोन दिलवा सकता है, ठीक है, चाइना खुद पैसे दे सकता है, लेकिन चाइना देता है बड़े मोटे ब्याज पे, पाकिस्तान की रीढ़ की हड्डी टूट जाएगी उसके पैसे वापस करते करते। और यहां पे IMF है, IMF 24वीं बार पाकिस्तान को पैसा दे रहा है, और पिछले 23वीं बार जो दिया पाकिस्तान ने मुंह पहुंचा, हाथ वाथ झाड़ा, बोला थैंक यू वेरी मच यार, अच्छा लगा, डकार मारी पाकिस्तान ने, कहानी खत्म हो गई, या डकार भी नहीं मारी होगी, राइट। अब देखो पाकिस्तान के लिए मजबूरी बन गया दोस्तों ये सब, ये जो आप देख रहे हैं ना, ये जो सीन्स आप देख रहे हैं अपने स्क्रीन पे इस वक्त, किस तरीके से भीड़ उमड़ के आई है, किस तरीके से वहां पे बिल्कुल हाय तौबा मची हुई है, ये क्या हो रहा है, ये हो रहा है दोस्तों, मैं आपको बताता हूं। दोस्तों टोटल स्टोरी ये है कि जब इमरान खान को हटाया गया और शहबाज शरीफ को बनाया गया, तो शहबाज शरीफ कटोरा लेके पहुंच गया चाइना, और चाइना का चूरन इसने चख लिया। शहबाज शरीफ चाहता है कि चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर एक्टिवेट हो जाए, चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर बंद करवाई थी इमरान खान नियाजी ने, यह बात तो हर एक पाकिस्तानी मानेगा कि इमरान खान ने बोला कि कागज दिखाओ भाई,
चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर के कागज दिखाओ और यह प्रूव करो कि यह पाकिस्तान के फायदे में है कि नुकसान में है, उसने यह बोला। और इमरान खान कभी भी चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर के खिलाफ नहीं था दोस्तों, ही वॉज नेवर अगेंस्ट चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर। वो सिर्फ ये कह रहा था कि यह पाकिस्तान के मफाद में है कि पाकिस्तान के नुकसान में है, यह मुझे समझा दो, कागज दिखाओ। फौज ने, पाकिस्तानी फौज ने इमरान खान को कागज दिखाने से मना कर दिया। जब उसने इंसिस्ट करा, जब वो पीछे पड़ गया कि मैं देश का प्रधानमंत्री हूं यार, तो मुझे भी कागज नहीं दिखा सकते, तब ये मरे मन से लाए कागज। ये मरे मन से लाए कागज जब इमरान खान ने देखे चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर के कागज, इमरान खान के होश फाख्ता हो गए। इमरान खान ने उसमें चाबी लगवा दी, चाबी लगवा दी, चीन का बन गया दुश्मन। जब चीन का बन गया दुश्मन तो चीन ने उसको फड़का दिया, राइट। अच्छा, इसमें आता है अमेरिका का मामला। बीच में अमेरिका मांगता है ड्रोन बेसिस। जब ड्रोन बेसिस मांगता है अमेरिका उससे और इमरान खान मना कर देता है ड्रोन बेसिस के लिए, तो यह कह देता है एब्सोल्युटली नॉट। अच्छा, इमरान खान के मन में यह बात थी, कई लोगों ने यह सोचा कि चाइना का एजेंट है, कई लोगों ने यह भी समझा कि यह अमरीका का एजेंट है, क्योंकि कभी यह काम ऐसे करता था कि चाइना के मफाद में हो, कभी काम ऐसे करता था जो कि अमरीका के फायदे में हो। लेकिन दोस्तों, इसने ही मैनेज टू अपसेट बोथ ऑफ देम। इमरान खान ने चीन के खिलाफ भी कुछ काम करे और अमरीका के खिलाफ भी कुछ काम करे, बहरहाल उसकी गद्दी चले गई, वो जेल में है। आज की तारीख में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ मोटे पैसे खर्च कर रहा है अमेरिका में लॉबिंग के ऊपर। हजारों डॉलर हर महीने खर्च किए जाते हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के फंड से, और वहां पे लॉबिंग की जाती है कि इमरान को निकालो, इमरान को निकालो। एक और चीज है, वो ऑक्सफोर्ड का चांसलर बनेगा, वो हम आपको बता ही चुके हैं पहले, बहुत पहले हमने खबर कवर करी थी और दो दो बार कवर करी थी कि ऑक्सफोर्ड का उसको चांसलर बनाने का, कि वो चुनाव में खड़ा हो जाए। एक बार वो ऑक्सफोर्ड का चांसलर बन जाएगा तो दुनिया के सामने खबर आ जाएगी कि ऑक्सफोर्ड का चांसलर जेल में, जेल में भाई, उसको निकालो जेल से, और प्रेशर बन जाएगा पाकिस्तानी सरकार और पाकिस्तानी फौज के ऊपर। वहां पे पाकिस्तानी आर्मी क्या कर रही है दोस्तों, ये आपको समझने की जरूरत है। वहां पे पाकिस्तानी आर्मी बैलेंस करने की कोशिश कर रही है बिटवीन चाइना एंड अमेरिका, राइट। जैसा मैंने बोला, वो भली भांति इस चीज से परिचित है कि पैसे अब चाइना से ज्यादा नहीं आने वाले, जो पैसे आएंगे वो अमरीका बहादुर से आएंगे। अमरीका ऐसे दे या ऐसे पकड़े नाक, पैसे अमरीका ही देगा। कैसे देगा अमरीका पैसे? अमेरिका इस तरीके से पैसे देगा, कभी IMF से लोन दिलवा दिया, ठीक है जी, कभी अमेरिका ने वर्ल्ड बैंक को बोला कि यार देखो 1-2 बिलियन दे दो इनको। इसी प्रकार से दाएं बाएं अमेरिका पैसे देता रहेगा। अब आप सोचिएगा पाकिस्तान किस मोड़ पे आके फंसा है दोस्तों, उसके निकलने का कोई भी रास्ता नहीं है। ये जो पूरा कह रहा है ना आसिम मुनीर कि ये हो गया, ये हो गया, सितंबर का महीना है, 1965 की लड़ाई और यौम दिफा और फलाना ढिमका, ये सारा का सारा, ये क्या झूठ है? ये है पब्लिक का मोराल रेज करने की बात, क्योंकि दोस्तों जो पाकिस्तानी पब्लिक है उसका मोराल, उसका मोटिवेशन सब घुटनों में, जूतों में आ चुका है, और इससे आसिम मुनीर बहुत ज्यादा परेशान है। तो बीच बीच में झूठ बोल के कि तुम्हारे फौजियों ने बड़ा बलिदान दिया और बड़ी शहादतें दी, कुछ नहीं दी, सरेंडरी फौज है ये, 2% की फौज नहीं है। आई तो एनीवे डोंट लाइक दिस आर्मी, इट्स अ यूजलेस नॉन प्रोफेशनल आर्मी, ठीक है जी। अब आखिरी चीज, इमरान खान का मैटर क्या है? ये मैटर और बढ़ेगा दोस्तों, इसको अमेरिका हवा देगा, जिसकी वजह से इमरान खान जेल गया था वही लोग इसको जेल से धीरे धीरे निकालेंगे, राइट। अगर डील सेट हो गई तो इमरान खान, मैं आपको बता रहा हूं, आज बता रहा हूं, अगर डील सेट हो गई तो 2026 के पहले इमरान खान दोबारा प्रधानमंत्री बन जाएगा पाकिस्तान का, अगर डील सेट हो गई। सारी चीज है, इमरान खान को किसी ना किसी के साथ डील करनी पड़ेगी, चाहे वो अमेरिकन के साथ कर ले, चाहे वो चाइनीज के साथ कर ले, चाहे वो पाकिस्तानी फौज के साथ कर ले। और पाकिस्तानी फौज इस डील में किसी के साथ भी डील करेगा, वो बिचौलिया पाकिस्तानी आर्मी बनेगी, ये सोचने वाली बात है। अब दोस्तों चलते हैं क्वेश्चन एंड आंसर्स की ओर। जी तो व्यूअर्स, वीडियो हमने देखा, वीडियो था पाकिस्तानी आर्मी चीफ एक्सेप्ट्स कारगिल में उनकी इन्वॉल्वमेंट थी, और ये एक्सेप्ट पहले को पाकिस्तानी आर्मी चीफ उन्होंने नहीं किया, पहले भी कर चुके हैं। हाँ, जब ये मामला चालू था उस वक़्त ये कहा जा रहा था कि मुजाहिदीन हैं जो वहाँ पे कारगिल की जो पहाड़ियों पर हैं, जब दोनों तरफ से फौजें उतर जाती हैं और उन्होंने कब्ज़ा वहाँ पे कर रखा है, जब इंडियन आर्मी वापस लौटी तब उन पर एक हमला किया गया और बहुत सारे इंडियन आर्मी के लोगों को मार दिया गया, और बाद में जब उन्होंने ऑपरेशन किया, ये भी काफ़ी अंदर तक चले गए थे, तो और फिर इनकी भी लाशें उठाने वाला कोई नहीं था। ये दोनों तरफ से ही हुआ था कि दोनों तरफ की लाशें उठाने वाले एक टाइम पे कोई नहीं थे, जब क्योंकि जब वापसी आती है वो जो
यहाँ पे जो होते हैं दिफाई तजिया नगार, जो सही सिचुएशन इसकी बताते हैं कि एक ऐसा एरिया है जहाँ बहुत ज़्यादा सर्दी आती है तो कुछ एरिया दोनों तरफ की रजामंदी से पीछे हट जाती है फौजें, इतने इतने किलोमीटर तक आपने वापस चले जाएं, हम भी वापस चले जाते हैं। और ये एक दफ़ा नहीं होता, हर साल होता है। और जब वो चीज़ें वापसी होती हैं, इंडियन आर्मी जो थी वो वापस गई, तो पाकिस्तानी जो आर्मी है वो वापस जाने की बजाय उन्होंने आगे पेशकदमी शुरू कर दी। तो काफ़ी सारी जगहों पर उन्होंने उस टाइम पर कब्ज़ा किया। जब वापस आए तो बहुत सारे इंडियन जो आर्मी थे उस वक्त जो टुकड़ी वापस आई जितने भी थे वो मारे गए। और फिर ये खबर आती रही कि पाकिस्तान की तरफ से जो सेना है या मुजाहिदीन है या कोई भी है उनको उठाने वाला कोई नहीं है। फिर वॉर है, वॉर में ऐसा ही चलता है। और उसी टाइम पे ही कर्नल शेर खान साहब जो हैं उन्हीं को निशाने हैदर दिया गया है, और वो भी रिकमेंडेशन पर इंडियन आर्मी के किसी अफसर की। तो यही वो सारी चीज़ें हैं कि हमें हमेशा से ऐसे मिस एडवेंचर्स करने की ज़रूरत है। देखिए, हमारे साथ एक बड़ी ताकत है, वो भारत है, हमें कबूल लेना चाहिए, इसमें कोई दो राय या दो शक नहीं है। हमारे लोगों को एक जो हमेशा से रहा है, हम जज्बे वाली कौम है, हम ऐसे वो कौम है एक बंदा सौ सौ पर भारी है, वो जैसे वो फिल्मों में देखते हैं, तो ऐसा हकीकत में नहीं होता। हकीकत में दिमाग से लड़ाई लड़ी जाती है और असले से लड़ाई लड़ी जाती है, और असला और जो चीज़ें उस वक्त कारगर साबित होती हैं उससे नहीं। और देखें, हमेशा से पाकिस्तान में यही रहा है कि भारत ने पाकिस्तान पर हमला किया और पाकिस्तान ने बड़ी जवां मर्दी से उसका दिफा किया है। लेकिन जो इन्हीं के ही एक्स जो हमारे आर्मी के चीफ होते हैं, लोग जो जनरल्स होते हैं, वो लिखते हैं कि हमने ही हमेशा से इन जंगों की जो शुरुआत है वो हमारी ही तरफ से हुई है, हमने पहले ये किया, हमने वो फलाना किया, हमने वो ढिमका किया, हमेशा से ऐसे ही। जैसे मेजर साहब ने कहा कि वो कश्मीरी तो बैठे हुए हैं पाकिस्तान के साथ मिलने को, बस उन्हें मौका चाहिए। लेकिन ये मौका कई बार ये वो ले चुके हैं, वो बदनाम मशूका की तरह, जब वो आशिक मिलने जाता है तो उसी को ही फड़वा देती है और उसी को ही छितर पड़वा देती है। लेकिन ये सोचते हैं कि हम जाएंगे तो हमारे साथ खड़े हो जाएंगे, तो ऐसा पहले भी नहीं हुआ ना हो। देखिए, उनको ज़रूरत भी नहीं है हमारे साथ खड़ा होने की, क्यों खड़ा, ना को मुआशी हालात अच्छे हैं, ना ही कोई हमारी कोई ऐसी चीज़ है, हमारा अपना मुल्क नहीं चल रहा, तो बाकियों के साथ हम क्या करें। बाकी ऐसे ये ख्वाब ख्याली ये ऐसे पुलाव, हम रोज़ाना की बुनियाद पर अगर हम पाकिस्तानी टीवी पर बैठे हुए तजिया नगारों को सुने, मैंने तो काफ़ी टाइम से ये सुनना छोड़ दिया, क्योंकि बंदा खुद डिप्रेशन में आ जाता है कि यार ये हमारे मुल्क के साथ हो क्या रहा है, सिर्फ यही इन्हीं चीज़ों के कारण कि क्यों कोई रास्ता, ना कोई मंजिल, ना कोई चीज़, ऊपर से इस तरह के बयान, हम कश्मीर तो ये और वो और ये सब बेकार की बातें हैं। दूसरी तरफ है कि ये जो आर्मी चीफ हैं ये जुरतमंदी से चीज़ों को एक्सेप्ट करते हैं। ये वही आर्मी चीफ हैं जिन्होंने इमरान खान साहब को भी कहा था कि भाई आपकी नाक के नीचे इतनी बड़ी बड़ी करप्शंस हो रही हैं तो आप इसको रोकते क्यों नहीं, आपको ये रोकना चाहिए, आपकी जो बेगम साहब है वो इन्वॉल्व हैं। और इमरान खान साहब ने इनको रोकने की बजाय, उनको रोकने की बजाय इनको रोक दिया। और फिर अब ये जब ये आर्मी चीफ बने तो इमरान खान ने पूरी मुखालफत की थी कि ये वाले जो आर्मी चीफ साहब हैं ये ना बने। और दूसरी पार्टी जो थी अपोजिशन, जाहिर बात है उनकी फिर ये आंख का तारा ही होना था कि यार इसको लाना चाहिए, ये आर्मी चीफ सेट है, क्योंकि इसने पहले से इमरान खान के साथ इसकी बिगड़ी हुई है। और ये आर्मी चीफ बने और ये चीज़ों को एक्सेप्ट करते हैं और ब्रेवली करते हैं, ये अच्छी चीज़ है। और अपने जो अहदाफ हैं वो हमारी मुशियत होनी चाहिए और उनकी तरफ तवज्जो होनी चाहिए, चाहे वो हमारे दफाई सलामती के अदारे हों और चाहे हमारे दूसरे अदारे हों या हमारे पॉलिटिशन्स हों, मकसद एक ही होना चाहिए आज के टाइम पे। अगर वो है तो फिर तो हम ये जंग है जो लड़ रहे हैं जो वो जीत भी जाएंगे, अगर वो नहीं है तो ना ही कोई हम जंग कोई लड़ रहे हैं और ना ही हम कोई जीत जाएं। जब भी कभी कोई ऐसा मौका आता है, जब वो दिन आता है, तो फिर जितने भी ये साहिबान होते हैं ये ऐसी ही तकरीरें करते हैं कि हमारे लोगों ने ऐसा किया वैसा किया और इस टाइम पर ऐसा होगा। अगर ऐसा होता तो आज बांग्लादेश ना बना होता, हम कश्मीर लेते लेते बांग्लादेश भी अपने हाथ से दे बैठे। तो ये तारीख की जो सच्चाइयां हैं और सच्चाई को एक्सेप्ट करना चाहिए और खुले दिल से करना चाहिए। बिल्कुल ऐसी है कि देखिए कि अब फॉर एग्जांपल मुशर्रफ साहब ने तब ऐसे ही तल्ख हकीकत बयान करते हुए जो है उन्होंने भी एक्सेप्ट किया था कि नहीं भाई, जब वो वॉर हुई थी तो उसमें जो है हमारे जो है वो जो सोल्जर हैं वो शामिल थे, उसमें इन्वॉल्व वो खुद शामिल था, साथ खुद था, तो वो उसने एक्सेप्ट किया। लेकिन अब ये
सैयद साहब जो है, शाह साहब जो है, वो भी अब एक्सेप्ट कर रहे हैं कि भाई कारगिल में हमारे जो है वो सोल्जर थे, साथ में इन्वॉल्व थे, वो खुद थे वहाँ पे। तो कर्नल शेर खान की भी वहाँ पे वो बता रहे हैं, जब वो ये जो इंटरचेंज में है वो ही देख रहा हूँ कि कर्नल शेर खान इंटरचेंज जो है वो कर्नल साहब के नाम पे कैसे बना। वो इसलिए बना कि वो वहाँ पे जो है वो लड़ते लड़ते शहीद हुए थे। तो लेकिन वो बताया इंडियन आर्मी ने था कि भाई ये जो जवान है ये हालांकि हमारे मुखालिफ साइड से लड़ रहा था लेकिन ये बहादुरी से लड़ा है, ये जो है ये उनको बताना चाहिए। ये उन्होंने बताया था इन्हें कि भाई आपका ये जवान जो है ये बहुत बहादुरी से लड़ा था, जिसमें ये हमारे ये यहाँ से कह रहे थे कि भाई नहीं हमारी तो आर्मी वहाँ पे इन्वॉल्व ही नहीं है, ये पता नहीं कौन है, ये कहाँ से हैं, ये क्या हैं। लेकिन वो हमारी आर्मी के थे जिनको बाद में निशाने हैदर दिया गया। ये चीज़ें हैं कि हमें हकीकत से दूर रखा गया, हमें हकीकत बताई नहीं गई, सच्चाई से हमें दूर रखा गया। हमें यही बताया गया कि भाई जितनी जंगें भी हमने लड़ी हैं ना, हमारी फौज ने बहादुरी और जुर्रत के साथ वो जंगें जीती हैं, कोई भी जंग हम हारे नहीं है। लेकिन हम तारीख उठा के देखें तो तारीख हमें बता रही है कि भाई हमें एक भी जंग जो है वो नहीं जीती, चाहे वो बहादुरी से लड़े हैं या नहीं लड़े हैं। जो भी उनकी प्लानिंग थी वो भाई जंग जो है तीनों जंगें जो हैं वो उन्होंने जीती हैं, और यही तारीख जो है वो तारीख की सच्चाई है। लेकिन इस सच्चाई से हमें दूर रखा गया है, पता नहीं क्यों और किस लिए। इसलिए कि जब आपको तारीख बताई जाएगी तो आप फिर सवाल करेंगे कि भाई आपको जिस काम के लिए रखा गया था उस काम में तो आप नाकाम हो चुके हैं, लेकिन हमारे ऊपर मुसल्लत होने में आप जो हम कभी भी नाकाम नहीं हुए और आज भी उसमें आप कामयाब हैं और बेहतरीन आप जो है ना वो चीफ शाफ जो है ना साबित हो रहे हैं। क्योंकि जिस काम में आप महारत रखते हैं वो हर आने वाले चीफ ने बहुत बखूबी किया है, और आवाम की जो आवाज़ को दबाने के लिए, आवाम के हकूक गज़ब करने के लिए वो एक्सपर्ट रहे हैं, तो आज भी वो उसके मुजाहरा कर रहे हैं। इसी तरह से जैसे कारगिल में वो गए थे और कहा कि ये हम थे ही नहीं, और आज जो है ना 25 साल बाद कह रहे हैं कि हम हैं। और आप देखिए इसी तरह से वो कहते हैं सियासत में मुशर्रफ साहब ने एक्सेप्ट किया था और भारत में बैठ के किया था, जो करने साहब ने किया था, तो फिर आपने वाला क्या जरूरत पड़ी थी, आप फिर क्यों कर रहे हैं। अब देखिए हर जो दिन आता है उस वक्त उन चीजों को दोहराया जाता है जो माजी में हुई होती है, इसमें को बड़ी बात क्या है। तो फिर उन्होंने किया था, फिर अभी जो माजी में किया था, माजी में और भी चीफ आए थे, उन्होंने तो ये हर कोई करता है, हम बड़ी बहादुरी से लड़े, हम ये बहादुरी से लड़े। लेकिन अब ये एक्सेप्ट कर रहे हैं ना कि भाई हमारे ही फौजी थे, उन्होंने एक्सेप्ट नहीं किया हमारे फौजी थे, और चीजें यही सारी चीजें कि इन चीजों के ऊपर देखते हुए कि आज भी देख लिए वो कहते हैं जी सियासत से हमारा कोई तल्लुक नहीं, सियासत से हम बहुत दूर हैं, लेकिन कर सब कुछ वही रहे हैं। और जब ये रिटायर्ड हो जाएंगे और कहीं दुबई में बीमार शुमार होंगे तो फिर कहेंगे कि भाई मुझसे ये गलतियां हुई, मैंने ये NRO दिया, मैंने वो NRO दिया, क्योंकि जब उस वक्त पता कि मरने वाला हूं तो फिर जो है ना सच बोल ही देते हैं। तो चीजें यही है कि जब ताकत होती है उस वक्त हम फिरौन बने होते हैं और उन चीज़ों को भी हम छुपाने की कोशिश करते हैं जो हम सरेआम कर रहे होते हैं, और ये शुरू से है। और ये हकीकत है कि हमने जो है ना जंग कोई जीती नहीं है और अपनी आवाम को हमने कभी ऊपर आने दिया नहीं है, और इससे आगे और कोई सच्चाई है नहीं। और इस चीज़ के ऊपर डिनाई जो है ना वो करते रहे, हम ये भी किया, हमने वो भी किया, हमने बड़ी बहादुरी से लड़ा, और बहादुरी से लड़े थे भाई, कुछ जंग तो फिर जीतनी चाहिए थी। चले चार जंगें लड़ी हैं आपने, उनमें से कोई एक तो जीत जाते, लेकिन आपने उसके अंदर जो है ना मुल्क के दो टुकड़े करवा दिए। और फिर आज देखिए मुल्क में खाना जंगी लगी हुई है, हर जो है ना वो स्टेट जो है ना अलग-अलग जूझ रहा है, हर एक के अलग-अलग प्रॉब्लम्स हैं। किन की वजह से हैं वो, उनकी वजह से नहीं है, वो आवाम की वजह से ही हैं। तो चीज़ें यही हैं कि जो जिसका काम है उसको करना चाहिए, हकीकत को तस्लीम करना चाहिए। एक दफ़ा तस्लीम कर लेंगे तो फिर जो है ना वो नुकसान कम होगा, लेकिन जब हम तस्लीम नहीं करते तो आए रोज़ 5 साल बाद 10 साल बाद वही नुकसान बार बार होता है, और मुल्क का नुकसान वो जो आज देखिए मुल्क किस नहज पर पहुंच चुका है। और अगर आज अपनी इन गलतियों को दोहराएं और उन गलतियों को दोहराते रहें फिर दोहराते रहें तो मुल्क का आगे से जो है ना वो हाल जो हो रहा है वो भी सबके सामने है। लेकिन गलतियाँ हुई हैं, इंसानों से होती हैं, इंसान गलतियों से मावरा नहीं है, लेकिन वो तहिया करे कि भाई पहले लोगों से भी ये गलतियाँ हुई, मुझसे भी हो गई, कोई बात नहीं, लेकिन हम आगे जो है ना ये तहिया करते हैं कि हम ये गलतियां दोबारा नहीं दोहराएंगे। लेकिन अब वो इन गलतियों पे जो है ना अब तो कहेंगे कि भाई ये गलतियां हुई हैं, तो उनको पता है कि सबसे पहले हमारी गर्दन जो है ना वो लटकेगी, फिर हम ऐसी इन गलतियों को क्यों एक्सेप्ट करें। तो यही चीज़ें हैं, जिसका जो काम है उसको करना चाहिए, जो जो काम जिसका है, जो पार्लियामेंट का काम है पार्लियामेंट को करना चाहिए, दिफाई इदारों का जो काम है उनको करना चाहिए, लेकिन हम हकीकत को छुपाते हैं।
और चंद सालों के बाद फिर वही जो है ना वो बताते हैं जी वहाँ फलां वक्त में ये हुआ था। जैसे आप देखिए कि जो 77 में जो भुट्टो को फांसी हुई थी और आज 2023 में जो है ना उसको वो इंसाफ मिला कि हाँ जी जो ज़ियाउल हक़ साहब ने ना गलत किया था, अदालतों ने गलत किया था, अदालतें उनको इंसाफ दे रही, तो फिर अब उनको इंसाफ देने का क्या फ़ायदा। लेकिन जो इस वक्त का वज़ीर आज़म है उसको इंसाफ मिलना चाहिए, उसको आज़ादी होनी चाहिए कि वो आप ख़ुद फैसले कर सके आवाम के लिए, मुल्क के लिए, ताकि वो जवाब दे हो कि भाई मैं यहाँ पे पार्लियामेंट में बैठा हूँ तो ये सारी चीज़ें मेरी ही हैं। लेकिन वो बाद में फिर वो कहता है कि भाई मुझे तो कुछ करने ही नहीं दिया गया, जैसे ये भी जब जाएंगे तो ये भी यही सारा कुछ करेंगे, हालांकि उन्हीं के लाए हुए। तो इन चीज़ों से बाज आना चाहिए, इन चीज़ों जिससे मुल्क को नुकसान पहुंच रहा है। अब हमें जो है ना कहीं पे देखिए कश्मीर की बात कर रहे हैं, कभी इधर की बात कर रहे हैं, किसी इन चीज़ों को एक्सेप्ट करने की बजाय जो मुल्की हालात के उसके जो जिम्मेदारी है उसको एक्सेप्ट करना चाहिए ताकि मुल्क के हालात बेहतर हो सकें और आवाम जो है वो आपकी इज़्ज़त और करें, दिल से करें। अभी भी इज़्ज़त आपकी करती है लेकिन उस तरह से नहीं करती जिस तरह से होनी चाहिए। तो ये सारी चीज़ें हैं आपको अपनी इज़्ज़त बनवाने के लिए सबसे पहले अपनी आवाम में पॉपुलैरिटी जो है वो आपको जो है ना कायम करनी चाहिए, क्योंकि आपको आवाम यहाँ इसलिए ही मुंतखब किया जाता है कि आप आवाम का दिफा करेंगे। लेकिन आप पूरी तरह से नाकाम हो चुके हैं और अब आवाम आप पर एतमाद करने के लिए भी तैयार नहीं है, और आए रोज़ आप नई से नई गलतियाँ करते हैं, आए रोज़ नए से नई काम कर रहे हैं, तो उनसे आपको बाहर आना चाहिए, वो चीज़ें नहीं करनी चाहिए जो आपका काम नहीं है। इदारे इसीलिए बनाए जाते हैं हर इदारा अपना अपना काम करे, लेकिन पाकिस्तान में उल्टी गंगा बहती है। हम जब हम ताकत में होते हैं तब हम वो काम भी करते हैं जो उसकी हमें बात पुष्ट नहीं होती, लेकिन जैसे ही हम जो है ना वो ताकत हमसे चली जाती है फिर हमें जो है ना वो सजाएं भी मिल जाती है। जैसे मुशर्रफ साहब को कहा गया था जी कब्र से भी उठाकर जो है उनको फांसी दी जाएगी, लेकिन उनकी मैयत आई थी और उस पर भी वाविला किया गया था कि नहीं आने दी जाएगी, लेकिन आए वो पाकिस्तान में दफन हुए। तो इन चीज़ों से बाज आना चाहिए, वरना तो सब नहीं है लेकिन काम वो करें जिस पर आपको ज़िंदगी में भी ना पछताना पड़े और मरने के बाद भी ना पछताना पड़े। क्योंकि जब ताकत होती है तब इंसान भूल जाता है, लेकिन जब ताकत चली जाती है तो फिर सबका एहतसाब होता है, चाहे वो 50 साल बाद ही ज़ियाउल्लाह का एहतसाब हो, अदालतों का एहतसाब हो। तो ये ऐसा नहीं होना चाहिए, वक्त पर जो इंसाफ है आवाम को मिलना चाहिए, आवाम की ज़िंदगी के लिए आसानी के लिए काम करने चाहिए। आज आपको अल्लाह ताला ने ताकत दी है तो उसका पॉजिटिव इस्तेमाल करें ताकि उससे आपकी इज़्ज़त भी बेहतर हो और मुल्क का वक़ार भी बेहतर हो। बिल्कुल जी, पाकिस्तानी फ़ौज के साथ पाकिस्तानी आवाम खड़ी है, हमेशा से खड़ी है और उनसे प्यार करती, क्योंकि पाकिस्तानी आवाम ये समझती है कि अगर पाकिस्तानी के लिए सलामती है तो वो पाकिस्तान की फौज ही है। दूसरी बात ये है कि नाहलियाँ होती है हर जगह पे होती हैं, कमजोरियाँ भी होती हैं हर जगह पे होती हैं। हमारे सियासतदान वो काम नहीं करते जिनके लिए उनको लाया जाता है, तो फिर वहाँ पे भी इन्वॉल्वमेंट करनी पड़ती है और उनको राय रास्त पे लाना पड़ता है, और ऐसी ऐसी बोंगियाँ फिर मारते हैं हमारे लोग, हमारे सियासतदान के क्या ही उनके कहने। आई होप सो वीडियो अच्छा लगे आपको, लाइक करिए, चैनल को भी सब्सक्राइब करिए, मिलेंगे एक और वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।